आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी पनीर के कटलेट्स। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। अगर आपने किसी भी पार्टी के स्टार्टर्स में इसको रख दिया तो सब आपकी तारीफ करेंगे और पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो चलिए, बहुत ही कम सामान से आज हम बनाएंगे ये पनीर के सुपर टेस्टी पनीर कटलेट्स। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल खुशबू ब्लॉग्स एंड रेसिपी, और मैं हूँ खुशबू। तो चलिए फिर मिलकर बनाते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। पनीर कटलेट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 250 ग्राम पनीर। उसको कद्दूकस करने वाले से कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए ऐसे। आप बारीक या मोटे वाले से कद्दूकस करके इसको ले सकते हैं। एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसी में हम ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। तो ये मैंने जो चीज़ क्यूब्स आता है उसको घिस के और ले लिया है। तो यहाँ पे मोजरेला चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है हमें, चीज़ क्यूब्स को घिस के कद्दूकस करके ही लेना है। ये जो इस तरीके के क्यूब्स में आते हैं वही लेना है हमें यहाँ पे। अब इसे भी हम पनीर में ऐड कर देंगे, और चीज़ डालने से ये बहुत ही सुपर टेस्टी हो जाती है। चीज़ डालने की वजह से ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अब हमें लेना है फ्रेश धनिया के पत्ते बारीक कटे हुए, इसे भी डाल देंगे हम पनीर में। और इसी के साथ अब हम लेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मिर्च आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम ले लेंगे एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। तो प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काट के ही लेना है, मोटा ना काटें। अब हम बिल्कुल ज़रा सा 2 इंच के करीब में डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो 4-5 काली मिर्च को कूट के भी डाल सकते हैं। इसी के साथ लेंगे हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। और अब इसमें बाइंडिंग देने के लिए हमें लेना है चावल का आटा। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच चावल का आटा ले रही हूँ, अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और लेंगे। पहले इतना मिक्स करके देखते हैं। अभी मुझे इसमें चावल के आटे की और ज़रूरत लग रही है, तो इसमें 1 चम्मच चावल का आटा और लेंगे और फिर इसको गूँथेंगे। तो ये देखिए, अब ये अच्छा सा गूँथ गया है, बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ गया है। इसको हम बहुत अच्छे से आराम से इजली टिक्की बना सकते हैं। तो हमें इसी फॉर्म तक इसको गूंथना है। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके और टिक्की की शेप में बनाते जाएंगे। तो ये देखिए, पहले इसको गोल गोल टिक्की बनाएंगे, फिर साइडों से ना ऐसे हाथ से करते जाएंगे ताकि इसमें जो भी क्रैक्स होंगे वो चिकने हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। जब हम कढ़ाई में तलेंगे तो ये फटेंगे नहीं। तो ये देखिए, एक टिक्की हमारी कितनी बढ़िया सी बन के रेडी हो गई है। तो चलिए फिर इसी सेम प्रोसेस से हम बाकी की सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं। आप चाहें तो अपने किसी भी मनपसंद शेप में बना सकते हैं, और इस स्टार्टर्स को आप किसी भी पार्टी में, किटी पार्टी में या छोटी मोटी पार्टी में रखेंगे या बच्चों को देंगे बना के, तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो चलिए अभी फटाफट से बना लेते हैं। तो बना लिए हैं हमने यहाँ पर सारे कटलेट्स, और देखिए देख के कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अभी चलते हैं हम इनको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो जितनी देर में हमने टिक्कियाँ बनाई सारी, उतनी देर में हमने इधर कढ़ाई में तेल भी रख दिया था चूल्हे पे गरम होने के लिए। और ये देखिए, तेल भी इतनी देर में आराम से गरम हो गया है। तो आप भी पहले तेल गरम होने को रख दें, फिर सारी टिक्की बना लें। तो एक एक करके इसमें बहुत ही आराम से डालते जाएंगे, और तेल बहुत तेज़ गर्म नहीं रखना है, इसको मीडियम गर्म रखना है। और ये सारे कटलेट्स कढ़ाई में डालने के बाद से आपको तुरंत इसको उंगल नहीं करना है, बहुत पेशेंस रखना है। 1 मिनट के लिए आप आराम से रुक जाइए, उसके बाद इसको पलटेंगे। 1 मिनट रुकने के बाद जब आप इसे पलटेंगे तो ये बहुत ही आराम से अपने आप ही पलट जाएगा, नहीं तो अगर तुरंत ही आप इसको पलटने लग जाएंगे तो नीचे से सारा कढ़ाई में चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे कटलेट्स को पलट दिए हैं, और दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू हाई करते रहें। अब दूसरी तरफ से ये बिल्कुल बढ़िया सा सीख गया है, तो अब हम इसको पलट लेते हैं और उल्टा पलटी करते हुए दोनों तरफ से बहुत बढ़िया सा सेक लेंगे एकदम क्रिस्पी होने तक। इसको सेकने में टोटल 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा कलर आ गया है कटलेट्स में, और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। इसको किचन टॉवल पे या नैपकिन पेपर पे निकाल के रख दें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। और सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी के सारे कटलेट्स भी फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो अब इसे गर्मा गर्म एक प्लेट में सर्व करें और इन्जॉय करें। तो आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। आप झटपट इसे बना सकते हैं किसी भी टाइम, जब भी आपका चाय के साथ कुछ खाने का मन हो, या हल्की फुल्की भूख हो, या कुछ बढ़िया सा खाने का मन करे, या फिर आप इसे बना के बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम टाइम में बन जाते हैं।
वो मुझे तो बहुत टेस्टी लगा और बहुत क्रिस्पी भी बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर करें। मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो नीचे रेड वाले बटन पर प्रेस करके सब्सक्राइब करके आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।